सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। काफी लंबे समय से उसे
जिसकी पेशेंट थी और वो असफलता हुआ, असफलता का सामना करना पड़ा। शायद वो हो सकता था कि वो उसमें नहीं कहीं कहीं निराश हो जाता है, निराश हो जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जीवन में जब वो उसके जीवन में उसको हर चीज़ का अनुभव था, उसको उस पेशा से वो था और उसको लेकिन वो हर एक चीज़ मालूम थी और उसके बावजूद भी उसको वो असफलता मिलती है, क्योंकि वो अनुभव होने के बाद भी उसको असफलता मिली और वो हर एक चीज़ में है कि नहीं, हर एक चीज़ को वो जानता था। आइए हम विवचन में जाएंगे। जिसमें जाने से पहले मैं इसको विनती करता हूँ कि लूका इसका 5वां अध्याय 3 और 4 मेरे लिए पढ़ लिया। एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हम देखते हैं प्रियो, अपने अन्य साथियों के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए गन्नेसर की झील पर जाता है पतरस। और जब यीशु मसीह गन्नेसर की झील पर पहुंचता है, पतरस और अन्य मछुआरों को देखता है वो जाला धो रहे हैं। तो हम दूसरे वचन में हम देखते हैं वे अपने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछली उन पर से उतर कर जाला धो रहे थे। तो जब भी मछुआरे हैं ना, अपना काम पूरा होने के बाद है ना, वो अपने जाले को साफ करते हैं, क्योंकि जब भी वो काम पूरा होने के बाद इसके लिए उस चीज़ को नहीं धोते हैं कि वो उसको फिर से अगर हम मछली पकड़ने के लिए अगर जाते हैं तो हमें नहीं कि नहीं मछली नहीं मिलती, क्योंकि वो गंदगी के कारण हमें उससे नहीं मिल पाती है। और इसके लिए वो जब भी अपना काम पूरा करते हैं उसके बाद में नहीं कि नहीं वो जाले को अच्छे से धोकर साफ करके रखते हैं। और हम इस घटना के अंदर देखते हैं यीशु मसीह इस बात को जानता है। पतरस इसको साथियों को एक भी मछली नहीं मिली थी और यीशु मसीह उनके पास जाकर उनके पास बातचीत करने लगा। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह को पता था कि उनको एक भी मछली नहीं मिली थी और वो उनके पास जाकर एक ने पूछताछ कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं लूका इसका 5वां अध्याय 4 और 5। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। वचन में हमें बताता है 3 और 4 में और 5 में पतरस एक लंबे समय से अनुभवी व्यक्ति था और वो एक मछुआरा था और उसे बहुत अनुभव भी था और एक लंबे पेशे से वो था, तो भी उसके बावजूद उसको मछलियाँ नहीं मिली और एक भी मछली प्राप्त नहीं कर पाया वो उस दिन। चौथे वचन में जाता हूँ, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाले को डाल, ऐसा परमेश्वर ने फिर से वचन में बताया है। 5वां अध्याय शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। प्रभु परमेश्वर यहाँ पे इस वचन के द्वारा हम सबको ये बताता है कि वो पूरी रात मेहनत किया, उसको कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद जब वो सुबह जाले को साफ कर रहा था, उस दौरान यीशु मसीह ने जब उनको बोला कि गहरे में जाके जाला डालो, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर की बात को उन्हें आज्ञाकारिता में लाया है और उसकी बात को सुना है। अगर पतरस चाहता है
तो उसको ये भी बोलता था कि मैं लंबे समय से हर इस पेशे में हूँ और ये सब चीज़ें मुझे पता है, मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूँ या क्यों मैं तुम्हारी बात को मानूँ, ये मछलियाँ किस तरीके से पकड़ना है, किस तरीके से करना है, ये सब चीज़ें मुझे मालूम है प्रभु। मगर पतरस ने इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को नहीं कहा। तब कई बार अनुभव होने के बाद हमें है कि उस चीज़ की घमंड रहती है कि हम कुछ उल्टा बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुभवी व्यक्ति यीशु मसीह के सामने अपने आप को दीन करता है। प्रभु यीशु मसीह के सामने पतरस दीन हुआ और नम्र हुआ, उसके बात को मानकर वो अंगीकार कर तो भी मैं तेरे कहने पर जाल डालूंगा, यानी प्रभु यीशु मसीह की बात सुनकर वो उस चीज़ को किया और उसको हर चीज़ की सफलता मिली जो कि वो आज्ञाकारी था। हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है, आज्ञाकारिता में हमें आना है और उसके वचन में और उसके बताए हुए हर एक बातों को हम मानकर चलना चाहिए। तो हमारा सफलता में हमें सक्सेस मिलती है और हम हमारे जीवन में उस सफलता को पा सकते हैं। हमें असफलता सफलता में आज्ञाकारिता उसे जुड़ना है। जब तक यीशु मसीहा उसके साथ में नहीं था तो उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीहा की आज्ञा का पालन किया उसे उस चीज़ का रिजल्ट मिल गया, यानी उसको मछलियाँ मिल गई जो कि वो उसके बात को मानकर सुनकर और जिस तरीके से उन्होंने बताया उस तरीके से वो किया है। तो हमें भी हमारे जीवन में जब भी हम कुछ करते हैं तो असफलताओं से हमें सफलता में अगर आना है तो पतरस जो खुद पहले अकेला था और कुछ नहीं कर पा रहा था, जब परमेश्वर के साथ जब वो हो लिया तो उसको सफलता मिली। अपन वचन 6 और 7, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां गिर आई और उनके जाल पटने लगे, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर दी कि वे डूबने लगे। पूरी रात वो लोग मेहनत किए लेकिन एक भी मछली मिली नहीं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया तो उसके जीवन में बहुत आशीष आई। आशीषों को वो संभल भी नहीं पा रहा था क्योंकि जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाले फटने लगे। जब वो लोगों ने उस बात को सुना और उस तरीके से जब वो चले और लेकिन उसके बाद में जो मछलियाँ उनको मिली तो वो इवन है कि नहीं वो संभाल भी नहीं पा रहे थे और जाना पड़ रहा था और दोनों नावें डूब रही थी। यानी कि हम इसमें देखते हैं कि पतरस जो कि अनुभवी था और उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस था और लंबे समय से उस पेशे में था तो भी उसको शुरुआत में असफलता मिली। जब प्रभु परमेश्वर के साथ जब वो बोलिया उन बातों को सुना और उस तरीके से जब वो चला तो उसको भी उस चीज़ की पूरी सफलता मिली। और जैसे प्रभु यीशु मसीह के नाव के अंदर जब आया तो उसको बहुत सारी आशीषें मिली। क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आज उपस्थित है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में आने के लिए, क्या हमारे हृदय में आने के लिए हम तैयार है? क्या आज्ञाकारिता हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमें बहुत चीज़ें सिखाता है कि हमें असफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें चलना चाहिए। जब वे इस कार्य को देखा अपने जीवन में, इस बात को जान लिया कि यीशु मसीह ही अपने आप में श्रेष्ठ है, यानी जब ये बात को जान लिया तो यीशु मसीह ही अपने आप में श्रेष्ठ है, इस तरीके से हमें वचन बताता है। वो सर्वसामर्थ्य परमेश्वर है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल में करने वाला प्रभु है। वो सर्वसामर्थ्य
प्रभु परमेश्वर है और सभी चीज़ों को अपने कंट्रोल में करता है, जो कि हमें जो भी चीज़ें अगर चाहिए और जो भी चीज़ें हम सोचते हैं, जो भी हमें सफलता चाहिए वो प्रभु परमेश्वर हमें देता है। वचन 5:8 शमौन पत्रस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। परमेश्वर ने इस वचन में हमें बताया, यह देखकर शमौन पत्रस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे स्वामी मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। इस बात को अंगीकार किया उसने कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ बोलकर वहाँ पर उन्होंने स्वीकार किया कि मैं पापी मनुष्य हूँ बोलकर उन्होंने यहाँ पे अंगीकार किया, स्वीकार किया। और उस बात को वो सुनकर, जब वो नहीं सुना था उस बात को यहाँ पे है कि नहीं, वो याद करके माफ़ी मांग रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपने आप में पवित्र है, ऐसा उसको उस चीज़ का पता चला जो अपने आप में वो प्रभु परमेश्वर पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो सब चीज़ें कर सकता है। जब हम प्रभु परमेश्वर के साथ अगर हो लेते हैं तो हमारे जीवन में वो सब चीज़ें प्रभु परमेश्वर हमें देता है। मनुष्य के लिए चीज़ें असंभव है, परमेश्वर के लिए सब बातें संभव है। मनुष्य के लिए चीज़ें असंभव है पर परमेश्वर के लिए सब परमेश्वर के लिए सभी बातों में संभव है। इसीलिए इस बात को जान लिया था वो और अपने आप को वो माफ़ी मांग रहा था। अगर हम इस व्यक्ति के जीवन में देखते हैं तो कि प्रभु परमेश्वर को वो माफ़ी मांगकर उन गलतियों को वो सुधार लिया और अपने जीवन में वो आगे बढ़ रहा था। इसी तरह हम वचन लुका 5:9-11 क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर अपने मनुष्य में बताता है, पूरी रात वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जब गया तो वो उसको हासिल नहीं कर पाया। अगर जब प्रभु परमेश्वर के साथ वो जब हो लिया तो वो इतना आशीषित हो गया कि उसके जीवन में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रही। क्योंकि वो अपने जीवन में है कि नहीं, असफलता जब उसको मिली तो बाद में सफलता किस तरीके से मिली कि वो पूरी रात पकड़ने के बाद उसको नहीं मिलने के कारण फिर वो सभी चीज़ों को मानकर सुनकर जब वो आगे आया और उस चीज़ को किया तो उसको सफलता मिली। एक व्यक्ति जो पूरी रात मेहनत के लिए प्रयास कर रहा था और मछलियाँ पकड़ने चाहता था, अब जब इतने मछलियाँ आ गई तो मछलियों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया कि वो सभी चीज़ें अभी छोड़ दिया और आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और वो एक मछलियाँ पकड़ने वाला आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। शायद अगर हम उस जगह पर रहते थे या मैं अगर रहता था, अगर मछलियों का अगर हम बारे में अगर सोचते तो उस समय है कि नहीं, ये मछलियों को हम पकड़ने के बाद चलो इसके हम बेचते हैं, उसके बाद में उसे बेचने के बाद उसके पैसे आने के बाद उसके बाद वो सब चीज़ें हम खर्चे करने के बाद उसके बाद हम फॉलो करके प्रभु परमेश्वर को, ऐसा हम सोचते थे। मगर प्रभु पत्रस ने इस तरीके से नहीं सोचा। लेकिन पत्रस ने यहाँ पर क्या किया, उसने उन सारी मछलियों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गया। उन सारे मछलियों को और अपने बिजनेस को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गया। एक बदलाव हम पत्रस के जीवन में देखते हैं, उसके जीवन में एक बदलाव आ गया जो कि हम इन वचनों के द्वारा हम देखते हैं। क्योंकि वो इस बात को जानता था कि मछलियाँ हैं, वो शायद नमक लगाकर अगर हम मछलियों को अगर रखते भी थे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने ये कुछ भी दिन तो सुरक्षित रह सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ
अगर वो हो लेता है तो अनंत काल तक रह सकता है, ये भी उन्होंने समझा कि वो अगर प्रोफेशनल सेना के अगर साथ हो लेता है तो वो अनंत काल तक रह सकता है। उसने मछलियों को अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं दिया, उन्होंने अपने जीवन में मछलियों को प्राथमिकता नहीं दिया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता दिया है। सभी चीज़ें छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह पीछे हो गया और उसको प्रथम स्थान दिया, इसीलिए वो मछलियों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हम इसके वचनों के द्वारा जब प्रभु पत्रस के जीवन में अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से वो अपने जीवन में एक इन्हें आगे बढ़ रहा था। अब वो और अब तू मछलियों को नहीं मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। यीशु मसीह ने पत्रस को कहा कि अभी तो मछलियों को नहीं मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। और एक व्यक्ति मछुआरा था, वो बाद में एक व्यक्ति बना जिस पर कलीसिया की स्थापना हुई। यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तुझे अपनी कलीसिया में स्थापित करूँगा। इस तरीके से प्रभु परमेश्वर ने पत्रस के जीवन में बताया। पत्रस वही व्यक्ति है जिसने पहली बार प्रचार किया और इतने सारे लोग 3000 लोगों को बचा लिया उन्होंने, क्योंकि इसमें इसके जीवन में बदलाव आया था। वो आज्ञाकर्ता हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में हम अगर हर एक चीज़ को मानकर प्रभु परमेश्वर के वचनों के ऊपर अगर हम चलते हैं और जो भी परमेश्वर ने हमें हर एक आज्ञाओं से भरा है और वो चीज़ें अगर हम देखते हैं सुनते हैं उस मुताबिक अगर हम अपने जीवन को लेके चलते हैं तो हम असफलताओं से सफलता किस तरीके से आ सकते हैं हम देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे जीवन में हम बहुत बार इस दुनिया में जीते समय कभी ना कभी असफलताओं को देखते हैं और असफलता हो जाने के बाद हम बहुत सोच में पड़ते हैं, यानी कि जैसे कि हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आज किसी को भी अपने जीवन में ही कि असफलता नहीं चाहिए, हर एक को सफलता ही चाहिए। मगर हमें बहुत अनुभव होने के बाद भी, हमें एक्सपीरियंस होने के बाद भी, हमारे में वो सब चीज़ों का स्किल होने के बावजूद भी हम कहाँ ना कहाँ पर कुछ कमियों के कारण असफलताओं को देखते हैं। वैसे ही है, हम देखते हैं पत्रस भी अपने जीवन में को बहुत लंबे समय से उस पेशे में था और उसे मच्छी किस तरीके से पकड़ना भी पता था और वो अनुभवी था और उसे हर चीज़ का वो नॉलेज था और उसमें वो हुनर भी था। मगर जब वो रात भर एक नहीं मछली पकड़ने के लिए जब गया तो उसे एक नहीं उस रात में कुछ भी नहीं मिला उसको। और दूसरे दिन जब यीशु मसीह ने उसको बोला तो उस बात को वो मानकर उन हर एक चीज़ों को सुनकर और इतने उसके जीवन में आशीष आई कि वो अभी सभी चीज़ें छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो रही है और उसके साथ में उसके जो साथियाँ थे वो भी उसके साथ में हो रही है, क्योंकि वहाँ पे वो अच्छा उन्होंने देखा है उस चीज़ को। वो लोग भी महसूस किए थे कि यीशु मसीह सब कुछ करने वाला प्रभु परमेश्वर है और वो अपने जीवन में सभी चीज़ों को बाजू में रखकर वो अपने जीवन में वो चीज़ों को और अपने जो गलतियाँ उसमें हुए वो चीज़ों को बाजू में रख के वो परमेश्वर के पीछे हुए। जब तक वो अकेला था तो कुछ नहीं कर पा रहा, जब प्रभु परमेश्वर उसके नाव में आया या उसको वो सभी चीज़ें बताया तो वो सब चीज़ें उसे हासिल हुई। हम भी हमारे जीवन में जब जीते हैं तो भी हम हमारे खुद के बलबूते पर अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में अगर है और हम हर चीज़ को परमेश्वर को प्राधान्य देते हैं और उसके मार्गों में अगर हम चलते हैं, उनके उसके वचनों में अगर हम बढ़ते हैं, उसे अगर हम समय देते हैं, हर चीज़ को हम उसके साथ में होकर अगर चलते हैं तो परमेश्वर हमें वो सभी चीज़ों में सफलता देगा जो कि आज पत्रस के जीवन में हम देखते हैं। 3000 लोगों को वो है ना मसीह में लाया और वो पहला पत्रस से जो 12 चेलों में से पहले प्रथम चेला है जो प्रभु परमेश्वर को मान लिया और उसके साथ हो लिया। और हम देखते हैं उसके जीवन में किस तरीके से वो आखिरी तक उस चीज़ को
मान लिया। और 11वें वचन हम देखते हैं, और वे नावों को किनारे पर ले आया और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गया। यानी कि सब चीज़ें वो छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गया। क्या प्रियो, आज हमारे जीवन में उस परमेश्वर को हम आने दे रहे क्या? हमारे जीवन में, अपने हृदय में उसे आने दे रहे क्या? जैसा उस पत्रस के जीवन, पत्रस के नाव में जिस तरीके से यीशु मसीह की बातें हम सुन रहे हैं, जिस तरीके से पत्रस ने उसकी सभी बातों को सुनकर अपने जीवन में आगे बढ़ा है। हम जैसे कि उन्होंने माफ़ी मांगा है, माफ़ी मांगा है, पश्चाताप किया है, क्या हम हमारे जीवन में पश्चाताप कर रहे हैं क्या? परमेश्वर के पास आने के लिए उसके पीछे हो लिया है, पत्रस उसके पीछे हो लिया है, क्या आज हम हमारे जीवन में पत्रस के साथ चलने के लिए रेडी है क्या? और हम उसके चेले बनने के लिए आज रेडी है क्या? जो सभी कुछ छोड़कर पत्रस अपने जीवन में उसके पीछे हो लिया है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए हम रेडी हैं? आज हमारे जीवन में हम कई बार अगर असफलताओं से गहरा हुआ होंगे तो हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, मुझे और आपको। और ये वचन जब मैंने लिया तो एक ही चीज़ सोचा कि मैं, ये मेरा थर्ड टाइम है संदेश देना, और मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर मैं संदेश दूँ, बट 40 दिन के ऊपर चालू होने से पहले मैं जनवरी में सोच रहा था कि अगर मुझे संदेश देते तो मैं किस पे दूँ, क्योंकि मैं भी मेरे जीवन में है कि नहीं कि वो आज तक भी लेकिन असफलताओं का सामना करते 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 आज जो भी हूँ मैं यहाँ पर हूँ। यानी ऐसा नहीं कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, क्योंकि मैं अभी भी आपके सामने यही गवाही देना चाहता हूँ कि हमें हमारी ज़िंदगी में हर मोड़ पे, हर समय पे, हर पल पे हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता, करते करते हमें सफलता मिलती है, जैसा पत्रस के जीवन में मिला है। तो मैं यही मेरी गवाही देकर और अंत में मैं छोटा सा एक शब्द बता रहा हूँ, जल्दी मिलती सफलता घमंड लाती है, जल्दी मिलती सफलता घमंड लाती है, देर से मिलती सफलता चरित्र बनाती है। तो प्रियो, कुंती चीज़ के लिए हमें नाराज नहीं होना चाहिए, हताश होना नहीं चाहिए, परेशान होना नहीं चाहिए या डिप्रेशन में जाना नहीं चाहिए। कुंती चीज़ के लिए हम उस चीज़ को लेकर कुछ गलत स्क्रिप्ट ना लेना चाहिए, और हमारा प्रभु परमेश्वर है जो हर समय हर पल हमारे साथ में रहता है, इसी कारण उसको साथ में है और साथ में हमें लेकर हमको चलना है, तो हमारे जीवन में हम इस सभी चीज़ों को सफलता में पा सकते हैं। परमेश्वर मुझे वचन के द्वारा बात करने के लिए शांति दिया, धन्यवाद। और जो कुछ अगर मेरे बोलने में गलती हो गई तो मैं माफी चाहता हूँ, और मैं इस संघर्ष को समाप्त करता हूँ। स्तुति 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 परमेश्वर, तेरे मीठे मधुर प्रार्थना को परमेश्वर समय के समय परमेश्वर जो वचन मैंने बताया परमेश्वर विश्वास हर एक व्यक्ति को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर, क्योंकि जीवन में पिता परमेश्वर अगर असफलता है तो परमेश्वर सफलता के लिए पिता परमेश्वर इस तरीके से पत्रस के पिता परमेश्वर अनुभव रहने के बाद पिता परमेश्वर असफलता से सफलता के लिए इस तरीके से प्रयास किया परमेश्वर हो गया, उसी तरह हम भी हमारे जीवन में पिता परमेश्वर का होकर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सफलता के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर के बातों के लिए जो बचपन से अब तक मेरे जीवन में जो भी तुमने कार्य किया पिता परमेश्वर, आगे भी मैं तेरे वचन में तेरे पैदा तेरे मार्ग होते सेवा में पिता परमेश्वर निरंतर होते हुए मानता हूँ। पिता परमेश्वर की फैमिली के पिता विशेषकर पिता आज उनकी ओर से पिता इस कामना को हटा कर पिता परमेश्वर परिवार के भी तेरी खुशियाँ शादी समर्थन आशीष भर पिता उनके भी घर पिता निरंतर तेरी पिता परमेश्वर आशीष बनाया रहे और पिता उन्हें भी तेरे बच्चन में तेरे भगवान तेरे मार्ग में पड़ा उनकी भी जो कभी लड़े पिता परमेश्वर तेरे पिता भगवान से तुम्हें लेकर आशीर्वाद लगता और उन्हें पिता परमेश्वर तेरे सेवकाई के लिए निरंतर खड़ा कर देखो नाम को मानना गुरु तुझे दे इस पात्र की स्थिति को विश्व के लिए बदलो पवित्र नाम समाप्त और स्वर्ग गुरु का मंदिर पाए आमीन।